नमस्ते बच्चों, आई जी वी एन आयुषी शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट पोर्टफोलियो। ठीक है, कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम में आप हैं, लाइक BCA, MTech, MCA या BTech, तो उसके बाद आपको क्या चूज करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उनमें से एक है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, आप तीन फील्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉयिंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज एन इनोवेटर, अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज एंड बिजनेस और प्रोसीजर्स। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, अपना खुद का बिजनेस ओपन करता है। लाइक जैसे अगर आप BCA या MCA या MTech कर रहे हैं, तो आप खुद की कंपनी या खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, ये हम इसमें आगे देखेंगे। सो अ पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ फर्म व्हिच एग्रीगेट्स कैपिटल एंड लेबर इन ऑर्डर टू प्रोसीड गुड्स एंड और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाता है। वो कई लोगों को लेबर दे सकता है, काम दे सकता है, और साथ ही साथ उसके प्रॉफिट से जो गवर्नमेंट है या जो इंडिया है या जो भी जहाँ भी आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इम्पॉर्टेंट ड्राइव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। Entrepreneurship is high risk but also can be high rewarded as it serves to generate economic wealth, growth and innovation. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किसी भी कंट्री की या किसी भी जगह की। तो एक जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें देखो रिस्क तो होता है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी काम आप अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका प्रॉफिट होता है या जो उसका हाई रिवॉर्डेड सिस्टम होता है, उससे आप बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक जो एंटरप्रेनर है उसका क्या रोल होता है कंप्यूटर साइंस के साथ। मतलब अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो एंटरप्रेनर का क्या रोल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, आइडिया, कोलाबोरेशन, डेवलपमेंट, सपोर्ट फाइनेंशियल और गोल। अगर आपका गोल सेट है तो आप इजीली बहुत अच्छे और बहुत हाई लेवल के बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो कंप्यूटेशनल टॉकिंग अबाउट सी एंटरप्रेन्योरशिप इफ वी प्रोवाइड अवर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड डिस्कवर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स अमंग देम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपर डेवलप्स न्यू कंप्यूटिंग मार्केट्स, इंट्रोड्यूस न्यू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। अब अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक आप नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, और एक नई टेक्निक के थ्रू, टेक्नोलॉजी के तरीके से आप नया एक बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन द 3 रोल्स ऑफ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। अब आपको क्या क्या चाहिए होता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो द आर्किटेक्ट, दैट इज बिग पिक्चर प्लानिंग। अगर आपके पास पूरी प्लानिंग है कि आपको बिजनेस कैसे ओपन करना है, उस बिजनेस में सक्सेस कैसे पाना है और आपका विजन क्लियर है, तो आप इजीली इसको डेवलप कर सकते हैं। देन द स्टोरी टेलर, रिसर्चिंग एंड सेलिंग, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती हैं, रिसर्चिंग एंड सेलिंग। अगर आपके पास पहले से क्लाइंट लेवल है या आप पहले से रिसर्च करके बैठे हैं कि हम इस फील्ड में बिजनेस करना चाहेंगे या हम इस फील्ड में बिजनेस कर सकते हैं और इसका इतना प्रॉफिट होगा, तो इन सब को आपको लेकर चलना होगा लाइक का स्टोरी टेलर। ओके, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही नोट डाउन और बहुत से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, ताकि आपको अगर इसको फिर से सेलिंग में आपको जाना है या आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, तो आपको उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ इसकी सेलिंग स्टार्ट करना चाहिए या कहाँ इसकी नीड ज़्यादा है। फिर लास्ट वन इज द डिसिप्लिनेरियन, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप होती है किसी भी बिजनेस के लिए।
अगर आपके पास प्रोडक्ट कम है और आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में एग्जीक्यूट कर दे, लाइक आपके पास सपोज कीजिए जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आपने कई जगह से डील्स ले ली हैं कि हाँ मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के दूंगी, ऐसे प्रोडक्ट, बट आपने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया, तो दैट इज नॉट द गुड थिंग। आपको क्या करना होगा, पहले आपके कई सॉफ्टवेयर और कई चीजें आपको डेवलप करके रखना होंगी, फिर आपको उनकी मार्केटिंग करना होगी, उस मार्केटिंग के बेसिस पे आपको लोग और काम देंगे। नाउ आफ्टर BCA, MCA, M.Tech एंड B.Tech, इसके बाद कैसे हम शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू डू। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस तरह का बिजनेस ओपन करना है या आपको किस तरह का बिजनेस करना है। लाइक आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, आपको हार्डवेयर फील्ड में जाना है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी फील्ड होती हैं जिनके बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए विजन कि आपको किस फील्ड में बिजनेस ओपन करना है। उसके बाद लुक फॉर अ क्लाइंट कस्टमर विदाउट सेटिंग अप द बिजनेस। अब बिजनेस शुरू करने से पहले आपको क्लाइंट्स और कस्टमर के बारे में पता करना होगा। लाइक आपको ऐसा एरिया चूज करना होगा जहाँ आपके जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपकी सेलिंग ज्यादा होगी। आप जो भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उनकी सेलिंग सबसे ज्यादा किस एरिया में होगी, या किस, जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स, कई जो स्कूल्स होते हैं, अब सारे स्कूल जो हैं वो UCG पैटर्न पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम वाला सिस्टम होता है, और उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो आपको ये देखना होगा कहाँ सबसे ज्यादा स्कूल हैं और कहाँ किस स्कूल को हमारे सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो उस हिसाब से आप पहले क्या करेंगे, क्लाइंट और कस्टमर को सर्च करेंगे, देन उसके बाद ट्राई सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू देम। आप फिर क्या करेंगे, आपके पास जो भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं या जो भी आपने डिजाइन किया हुआ है प्रोडक्ट, उसको आप क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर इंटरेक्शन विद 5 to 10 सच क्लाइंट्स, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। अब अगर आपने 5 से 10 ऐसे क्लाइंट पकड़ लिए हैं जिनको आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया है, तो उसके बाद आपको क्लाइंट्स की नीड और क्लाइंट्स क्या चाहते हैं ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आप फिर अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। अब इसमें कई चीजें होती है बेटा, जब आप अपनी कंपनी ओपन करते हैं तो यू ऑल्सो फाइट विद लीगल स्टफ। अब लीगल स्टफ का मतलब है आपका टर्नओवर कितना है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और आपकी कंपनी का जो नाम है वो किस उसमें मैनेज, किस प्राइवेट लिमिटेड को जाएगा, या आप खुद का पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना चाहते हैं, लाइक दैट। तो हम बात कर रहे हैं लीगल स्टफ की। अब लीगल स्टफ के अंदर क्या आता है, लाइक जैसे आपको अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है अपनी, तो उस कंपनी में कौन कौन मेंबर्स होंगे, या आप वो कंपनी पार्टनरशिप में खोल रहे हैं, या आप डायरेक्टर हैं, आप कौन हैं, तो ये होते हैं लीगल स्टफ। इन सबको पेपर राइटिंग होता है, वकील के थ्रू उनका पूरा सेटअप होता है, देन उसके बाद आपकी कंपनी का आपको ओनरशिप मिलता है। उसके बाद वंस यू हैव रन योर बिजनेस फॉर 5 to 6 months, यू शुड डू अ स्मॉल कोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड टेक द बिजनेस फर्दर। अब एक बार जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है अपना और उसके लिए 5 से 6 months हो गए हैं, तो आपको ये ईजी हो जाता है, आप मतलब उसके बारे में शॉर्ट स्टडी कर चुके हैं कि बिजनेस में क्या क्या होता है और उसमें कैसे क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग, रिसर्चिंग, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका हमेशा ध्यान रखें। अब मैं आपको बात करूंगी फील्ड यू कैन चूज, किस फील्ड में आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आप एक BCA, MCA, M.Tech स्टूडेंट हैं। तो इसमें देखिए बिग डेटा इंजीनियरिंग आता है, मशीन लर्निंग आता है, डेटा साइंटिस्ट आता है, डेटा एनालिस्ट आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर आता है, जो सबसे कॉमन चीज़ होती है। अधिकतर जो होते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, BCA, MCA या M.Tech करने के बाद अपनी खुद की कंपनी ओपन करना प्रेफर करते हैं, और ये बहुत रेयर ही होता है। कई लोग तो प्राइवेट कंपनीज में जाके जॉब करते हैं, कई लोग गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में जाते हैं, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खुद की कंपनी ओपन करके और उसमें अपना डेवलपमेंट करते हैं और साथ ही साथ देश को आगे बढ़ाते हैं। सो इसमें हार्डवेयर इंजीनियर्स भी आ सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट भी आ सकता है, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट आ सकता है, और ई कॉमर्स भी आता है। ई कॉमर्स से मेरा मतलब है लाइक जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सभी आप देख रहे होंगे कि कैसे इन्होंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन, और आज आप सुन सकते हैं कि इनकी कितनी ऊपर तक ये लोग पहुंच चुके हैं। तो ये सब इन्होंने भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा। तो आप भी ऐसे कई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन ऐसी डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप बिजनेस करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
ये मेरा प्रेफरेंस था। अगर आप चूज करते हैं इंटरप्रेन्योर, तो किस तरह से आपको वर्क करना है ये मैंने आपको बताया है। थैंक यू।